दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विपन्न मजदूर श्रमजीवी के खाद्य सामग्री उपलब्ध कराव खातिर सर्वोच्च के आदेश, सब तरह से समन्वय करे खातिर कहना। पेट्रोलियम पदार्थ के अभाव कम करला, जरूरी प्रयोजन खातिर ही वितरण करे पड़े के पेट्रोलियम एसोसिएशन के कहना। ईंधन के मौजदात पर्याप्त रहल दावी। कोरोना वायरस के कारण एशियाली अर्थतंत्र सुस्ताई के, विश्व बैंक के कहना। 2020 में सब विकासशील देश के आर्थिक वृद्धि दर 2.1% में गिरे के प्रक्षेपण। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अमेरिकी पत्रकार मारिया के निधन, मारिया कैंसर से समेत पीड़ित रहल डॉक्टर के कहना। आ कोरोना वायरस प्रभाव के कारण दी 100 क्रिकेट के उद्घाटन सत्र के टिकट बिक्री स्थगित, प्रतियोगिता अगला साल हो सकी। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालत विपन्न मजदूर श्रमजीवी के खाद्य सामग्री उपलब्ध कराव खातिर सरकार के आदेश दिले बा। कोरोना वायरस के जोखिम कम करे खातिर सरकार से कई लॉकडाउन के समय बढ़ला से मजदूरी करके गुजारा चलावेला के दैनिकी कष्टकर हो रहल कहत। अदालत खाद्यान्न उपलब्ध कराव खातिर सरकार के आदेश देलख। संघ प्रदेश आ स्थानीय तह बीच समन्वय करके खाद्यान्न आ राहत के कार्यक्रम आगे बढ़ाव खातिर न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ के एकल इजलास आदेश जारी कैलख। अधिवक्ता विष्णु ड्यूटेल द्वारा दायर रिट में सुनवाई करत इजलास तीनों तह के सरकार के समन्वय में जरूरी प्रतिबंध मिलावे खातिर आदेश देलख। रिट निवेदक के मांग मुताबिक अंतरिम आदेश जारी करे के पड़ी कि ना करे के पड़ी कह के विषय में छलफल खातिर अदालत आवेला चैत 23 गते दोनों पक्ष के बोले लेवा। सरकार इतवार के ही दैनिक मजदूरी करे वाला खातिर आर्थिक पैकेज घोषणा कैले रहे। भविष्य में आए वाला पेट्रोलियम पदार्थ के अभाव के आत्मसात करके नेपाल पेट्रोलियम डीलर राष्ट्रीय एसोसिएशन ज्यादा जरूरी खातिर ही पेट्रोलियम पदार्थ वितरण करे के आग्रह कैले बा। सरकार के आग्रह मुताबिक जरूरी पड़े के ही पेट्रोलियम पदार्थ वितरण करे पड़े के पंप सब के आग्रह कैल। एसोसिएशन के अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रसाद प्रधान जानकारी देने। काठमांडू उपत्यका भीतर के पंप संचालक के भी उहे बेहोरा पंप के बाहर सूचना साटेला समेत आग्रह कैले बा। ज्यादा जरूरी भइल खातिर काठमांडू उपत्यका के कोनो भी पंप में तेल भर सके के आ पंप में पर्याप्त मात्रा में मौजदात तेल राखल, अध्यक्ष प्रधान जानकारी देने। कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नंबर 8 आर्थिक स्तर कमजोर भइल के खाद्यान्न वितरण कैले बा। देश लॉकडाउन के अवस्था से गुजर रहल समय रोजाना मजदूरी करके गुजारा चलावेला गरीब और विपन्न वर्ग के स्थानीय सब के फ्री में खाद्यान्न सामग्री सब बटलख। विश्वभर कोरोना के महामारी फैले लगला बाद सरकार लॉकडाउन के घोषणा कैले बाद कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के कार्यालय वार्ड भीतर रहल रोजाना ज्याला मजदूरी करके जीवन निर्वाह कर रहल 140 घर परिवार के घर घर में ही पुग के फ्री में चाउर बटलख। मंत्री परिषद के बैठक से थप 8 दिन लॉकडाउन अवधि बढ़ाव के घोषणा कैले बाद वार्ड कार्यालय केहू भी भूखे ना रहे के कहत प्रति परिवार 15 किलो के दर से चाउर बटलख। लॉकडाउन के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थिति के सहज व्यवस्थापन खातिर नेपाल तरुण दल महातहत के जिला समिति सबके निर्देशन दहलेबा। COVID-19 के महामारी रोके खातिर सरकार से जारी कई लॉकडाउन के सहयोग पुगावे खातिर हिसाब से स्थानीय प्रशासन से मिलके समन्वय करला तरुण दल के केंद्रीय समिति जिला समिति सबके परिपत्र कैलख। सरकार द्वारा लॉकडाउन आगामी चैत 25 गते तक खातिर थप कैले बाटे। यह अवस्था में स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेके आ नियम क्रियाकलाप में सहजीकरण करे कराव खातिर जिला अध्यक्ष सबके परिपत्र कैल तरुण दल के कहना बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। सूखा मौसम शुरू भइला बाद सुनसरी के धरान उपमहानगरपालिका के कुछ वार्ड सब में पिए वाला पानी के संकट शुरू भइल बा। वर्षेनी सूखा मौसम शुरू भइला संगे ही धरान में पिए वाला पानी के अभाव होखेला। इस वर्ष भी चैत दोसर का हफ्ता से धरान उपमहानगरपालिका के कुछ वार्ड सब में पिए वाला पानी के अभाव शुरू भइल हा। धरान खाने पानी बोर्ड से खाने पानी टैंकी के मार्फत पानी वितरण करे के शुरू कैले बाटे, लेकिन कोरोना के संक्रमण से बचे खातिर सरकार से कैल गइल लॉकडाउन के घोषणा उल्लंघन करत पानी बटा रहल बा। उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ अब बोलाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बोलाएपछि उहाँहरूले आफै मिलाउँछौँ या उपभोक्तालाई
हामी मिलाउने काम हो, तपाईँहरू ल्याइदिनु भनेर चाहिँ फोन गरेर हामी ल्याइदिन्छौँ। अहिले भिड चाहिँ हामी हटाएर चाहिँ हामी आफै बाँड्दैछौँ, हाम्रो मान्छेहरू ल्याएर हामी गर्छौँ। धरानके ज्यादातर स्थानमै स्याली विकास बैङ्कके सहयोगमै सञ्चालित खानेपानी परियोजना चाहिँ पानी वितरण हो रहलबा। पानीको अभाव भैलाबाद स्थान सबमै जनप्रतिनिधि सबके नेतृत्वमै पानी बटा रहलबा। भिडके नियन्त्रण गरे खातिर कोनो भी संयन्त्र नै खे अपनाओल गइल। घर घरमा अब चाहिँ यो अवस्था चाहिँ भयो भने यो त सङ्क्रमण हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि घर घरमै अब यो लाइनमा मात्रै भएकोले गर्दाखेरि अरू त सकिँदैन, यस्तो छ कि अवस्था। विश्वभर फैलिरहल कोरोना भाइरस संक्रमणके जोखिमके कम गरेकी खातिर सरकारसे दोस्रोका बेर थपकै लकडाउनके पालना गरत धारासे पानी वितरण गरे परेके स्थानीयके माग रहलबा। बाँकेके विभिन्न पाँच अस्पताल सबमे कोरोना भाइरस संक्रमित बिमार सबके इलाजके खातिर 64 बेड स्थापना कैल गइल बा। 8 स्थानीय तहसे भी आपन किसिमसे क्वारेन्टाइन निर्माण कैल गइल बाटे। भेरी अस्पतालमे 6 नेपालगंज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमे 6, लायन्स डेन्टल अस्पतालमे 40, खजुरा क्यान्सर अस्पताल खजुरामे 6 करके जिल्लामे जम्मा 64 बेड सहितके आइसोलेसन बेड तयार कैल गइल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके जनाउले बा। अभि तकले बाँकेके विभिन्न शंकास्पद 23 थ्रोट स्वाबके नमुना परीक्षण कैलामे 23 नमुनाके रिपोर्ट नेगेटिभ आइल बा। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरस कोविड-19 के महामारी से एसियाली अर्थतंत्र बहुते सुस्ता होके विश्व बैंक बताउले बा। विशेष करके पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश और चीन के अर्थतंत्र नानिमन से प्रभावित बने के विश्व बैंक के अनुमान बा। सोमवार के विश्व अर्थतंत्र बारे नया प्रक्षेपण सार्वजनिक करे के क्रम में विश्व बैंक ई अवस्था में आर्थिक वृद्धि के प्रक्षेपण कैल बहुत कठिन रहल उल्लेख कैले बा। बीबीसी विश्व बैंक सन 2020 में समग्र विकासशील देश के आर्थिक वृद्धि दर 2.1% में झरे के प्रक्षेपण कैले बा। ई दर -0.5% में भी जा सके के बतावल गइल बा, जबकि सन 2019 में इस क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि दर 5.8% रहल रहे। समाचार संस्था रॉयटर्स के मुताबिक विश्व बैंक चीन के आर्थिक वृद्धि दर ई बरस 2.3% में झरे के प्रक्षेपण कैले बा। ई वृद्धि दर 0.1% में भी सीमित हो सके के ओकर अनुमान बा। सन 2019 में चीन के आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी पत्रकार मारिया मर्कादेर के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन भइल बा। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क CBS न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार मर्कादेर के निधन भइल ह। 54 वर्ष के मर्कादेर में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल रहे। 30 वर्ष से भी ज्यादा समय से CBS में रिपोर्टर और टैलेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रहले। स्वर्गीय मर्कादेर से एशियन अमेरिकन पत्रकार एसोसिएशन, नेशनल लेस्बियन एंड गे जर्नलिस्ट एसोसिएशन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट संघ के मिलकर काम करते आयल रहले। पिछला 20 साल से विभिन्न स्वास्थ्य समस्या झेलत रहले। उनका कैंसर समेत फैल रहे। वहाँ के सन 1987 से CBS न्यूज में कार्यरत रहले। अब खेलकुद समाचार। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB से आयोजना करे के कहल गइल दी 100 क्रिकेट के उद्घाटन सत्र के टिकट बिक्री तत्काल के खातिर रोकल गइल बा। दी 100 ECB से लियावल गइल जा रहल 100 बॉल के नया फॉर्मेट के क्रिकेट प्रतियोगिता हुए। इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड के 6 फ्रेंचाइजी क्लब सब शामिल रहे। जुलाई महीना खातिर तोकल गई दी 100 क्रिकेट प्रतियोगिता कोरोना वायरस महामारी खातिर ना होके के भैला बाद ECB टिकट बिक्री ना करे के भैल ह। ECB अप्रैल 8 में उद्घाटन सत्र के टिकट बिक्री करे के घोषणा कैले रहे। बीतल फेब्रुवरी में दी 100 के पुरुष तरफ फाइनल के टिकट बिक्री के घोषणा करत 24 भीतर में अपेक्षा से ज्यादा टिकट बिक्री भैल रहे, जरा चलते टिकट बिक्री करेला ECB के बहुत दिक्कत के सामना करे के पड़ल रहे। कोरोना वायरस के बढ़ रहा प्रकोप के कारण दी 100 निर्धारित समय में ना होके के निश्चित भैला बाद
बाकी रहल टिकट बिक्री सीबी तत्काल खातिर रोकेको जनाउले बा। बोर्डको मुताबिक प्रतियोगिता आयोजना अब कम्तीमा 6 हप्ता सारल गइल बाटे। हडमके प्रमुख कार्यकारीके मुताबिक प्रतियोगिताके अवधि कम गरेके पनि त अगिला साल ही प्रतियोगिता आयोजना कर सकेके बताओल गइल बा। उहाँके बहुप्रतीक्षित नयाँ फर्मेटके क्रिकेट प्रतियोगिता भइलासे क्रिकेट प्रेमी सब एकर बहुते बेसब्री से इंतजार कर रहल जनाउल गइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। विपन्न मजदूर आ श्रमजीवी के खाद्य सामग्री उपलब्ध कराव खातिर सर्वोच्च के आदेश, सब तरह से समन्वय करे खातिर कहना। पेट्रोलियम पदार्थ के अभाव कम करे खातिर जरूरी प्रयोजन खातिर ही वितरण करे के पेट्रोलियम एसोसिएशन के कहना। ईंधन के मौजूदात पर्याप्त रहल दावी। कोरोना वायरस के कारण एशियाली अर्थतंत्र सुस्ताए के विश्व बैंक के कहना। 2020 में सब विकासशील देश के आर्थिक वृद्धि दर 2.1% में गिरे के प्रतिशत। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अमेरिकी पत्रकार मारिया के निधन। मारिया कैंसर से समेत पीड़ित रहल डॉक्टर के कहना। कोरोना वायरस प्रभाव के कारण दी 100 टिकट के उद्घाटन सत्र के टिकट बिक्री स्थगित। प्रतियोगिता अगला साल हो सके। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।